हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक कुमार पांडे फ्रॉम निर्मल बंग निवेशालय प्राइवेट लिमिटेड। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारे जो एसआईपी बास्केट है म्यूचुअल फंड के, जो हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है, उसका सेकंड फीचर के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। सो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके mflogin.nirmalbang.com एंटर करना है। फिर हमारा लॉग इन पेज आ जाएगा, यहाँ पे आप अपना लॉग इन क्रीडेंशियल्स डालिएगा, लॉग इन नेम एंड पासवर्ड, उसका ब्लू आइकॉन टिक का, देन आपका ये लॉगिन हो जाएगा। तो हालांकि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये एसआईपी म्यूचुअल फंड के जो बास्केट जो हमने लॉन्च किए हैं, तो ये दो फैक्टर पे डिटरमाइन होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट हॉराइजन और एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट। सो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसआईपी माइक्रो के बारे में, सो बेसिकली अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5,000 से 10,000 के बीच में है और बेस्ड ऑन दैट आपका जो हॉरिजन है, तो जो टेन्योर है उसके बेसिस पे ये हमारा बास्केट है। सो अभी इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नियर रेंज एसआईपी माइक्रो। सो आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आने के बाद बास्केट्स में जाके इस इधर क्लिक करके ये नियर रेंज एसआईपी माइक्रो पे क्लिक करेंगे, देन ये जो सब कैटेगरी था हमारे बास्केट का नियर रेंज वाला एसआईपी माइक्रो का, इधर आपको स्कीम्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी कि आपका जो अमाउंट है वो ये पर्टिकुलर स्कीम में जाएगा और क्या वेटेज पे जाएगा वो भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। लिस्ट व्यू में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे वेटेज भी दिखेगा कि ये पर्टिकुलर स्कीम का वेटेज कितना रहेगा। सो ये सारे स्कीम्स हैं नियर रेंज एसआईपी माइक्रो का। इधर आपको दिया हुआ है परफॉर्मेंस, दिया है फंड के बारे में, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, एंड कॉर्पस भी दिया हुआ है। तो आपको जस्ट ये ग्रीन पे क्लिक करना है, स्टार्ट एसआईपी करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको इन्वेस्टर का डिटेल्स नाम डालना है। आप उनका नाम डाल सकते हैं, बीटी कोड डाल सकते हैं, या तो पैन नंबर, तीनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। अमाउंट यहाँ पे डालिए, फिर टेन्योर यहाँ पे डालिए, कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको मंथ्स डालना है, अगर आप 5 साल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे 60 मंथ्स डाल देना, बैंक मैंडेट सेलेक्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू। सो ये जो आपका अमाउंट जो आपने डाला है, सो ये पर्टिकुलर 5 स्कीम्स में 2,000 2,000 2,000 करके ये जाएगा। सो 20% 20% पर स्कीम्स का वेटेज है इसमें। सो आपको हर एक स्कीम के पास जाके अपना मैंडेट, मतलब जो डेट पे आपका एसआईपी जाना है, स्टार्ट डेट आप डाल दीजिएगा, एक एक स्कीम का सेलेक्ट करना होगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन पेज आएगा, आपका नाम रहेगा, यहाँ पे आपके 5ों स्कीम्स हैं ये एसआईपी नियर रेंज माइक्रो वाला। सो यहाँ से आप कंफर्म एक बार करके फिर आपको ये जो ब्लू आइकन है इस पे आप क्लिक कीजिए, प्लेस ऑर्डर, देन उसके बाद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा सक्सेसफुली, आप जाके उसको अप्रूव कीजिएगा। सो ये था हमारा एस आई पी नियर रेंज। सो अभी मीडियम रेंज ये कैटेगरी में, सो मीडियम रेंज एस आई पी माइक्रो उस पर क्लिक करेंगे, सो उसके भी स्कीम्स यहाँ पे आ गए। सो सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्टार्ट एस आई पी, देन इन्वेस्टर का नाम, और इसमें थर्ड सब कैटेगरी है लॉन्ग रेंज एस आई पी माइक्रो। सो इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे फंड्स आ जाएंगे कि ये फंड में कितने स्कीम्स रहेंगे, उसके बाद यहाँ से बाई बास्केट पे क्लिक कीजिए, सेम प्रोसीजर रहेगा। फिर आपको इन्वेस्टर का नाम डालना है, कितने का अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है वो आपको वहाँ पे एंटर करना है, देन टेन्योर आपको डालना है, कितने साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो मंथ्स में आपको डालना पड़ेगा, 5 साल रहेगा तो 60 मंथ्स डाल देना, 6 साल रहेगा तो 72। उसके बाद मैंडेट सेलेक्ट करना, प्लेस ऑर्डर करना, उसके बाद आपके स्कीम्स आ जाएंगे। ये जो सब बास्केट्स के जो 5 स्कीम्स हैं, एक एक स्कीम का आप एसआईपी डेट स्टार्ट डेट सेलेक्ट करना, उसके बाद प्लेस ऑर्डर कर देना। सो ये था हमारा जो सेकंड कैटेगरी है एसआईपी माइक्रो, उसमें नियर रेंज, मीडियम रेंज एंड लॉन्ग रेंज फॉर एसआईपी माइक्रो। और वीडियोस आते रहेंगे जस्ट टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच।